हेलो फ्रेंड्स, नीतूज कुकिंग रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टिंडोरा यानी कि कुंदरू की सब्जी, जिसे हम बिना अनियन एंड गार्लिक के बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम टिंडोरा लिया है कुंदरू, जिसे मैंने पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं, इसको आप स्मॉल गोल सर्कल में भी कट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर पतले स्लाइसेस में कट किया है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाने पर हम इसमें पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे, कुछ करी लीव्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे इसे। उसके बाद हम पीसेस में कट किए हुए टिंडोरा ऐड करेंगे इसमें। इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके हम अच्छी तरह से मिक्स दे देंगे। अच्छी तरह मिक्स देने के बाद देखिए सभी मसाले जो है अच्छी तरह इसमें कोट हो गए हैं। आइए इसे हम लिड से कवर करेंगे और 10 मिनट्स के लिए हम इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 10 मिनट्स हो गए, हम चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छी तरह थोड़े से सॉफ्ट दिख रहे हैं, हल्का सा वाटर कंटेंट आप देख सकते हैं इसमें। अभी हम इसे एक बार और मिक्स करके हाई फ्लेम पर अब हम इसे 5 से 7 मिनट कुक कर लेंगे, जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी और पूरी तरह फ्राई नहीं हो जाते हैं। 7 मिनट्स हो गए हैं, आइए हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए नीचे से जो है पूरी तरह फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी दिखने लगे हैं। इसे हम फ्लिप करेंगे, चारों तरफ से हमें इसी तरह से जो है फ्राई कर लेना है इनको। फ्लेम हम अपना हाई ही रखेंगे, लिड से कवर करेंगे और 2 मिनट्स के लिए हम इसे और फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो गए हैं और क्रिस्पी भी दिखने लगे हैं। एक बार मिक्स करके इसे हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स दे देंगे। बस फ्लेम ऑफ करके हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है आपकी टिंडोरा कुंदरू फ्राई, जिसे हमने बिना अनियन गार्लिक के बनाया है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें फ्रेंड्स, ये एक पॉपुलर इंडियन वेजिटेबल है जो टेस्ट में थोड़ी सी क्रंची और जूसी होती है, और रोटी पराठे के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं लंच या डिनर में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।